नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। लखनऊ के कांग्रेस मुख्यालय में आज हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने इकट्ठा होकर महंगाई, भ्रष्टाचार और राजभवन की ओर से बढ़ने को लेकर प्रयास किया है और साथ ही प्रदर्शन किया है। इस दौरान आप तस्वीर देखिए किस तरीके से लगातार कई घंटों तक पुलिस प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद भी यहाँ पर प्रदर्शन चलता रहा। कांग्रेसियों को बता दें कि बसों में भरकर इको गार्डन ले जाया गया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी ज्यादा थी कि आज लखनऊ के कमिश्नरेट पुलिस की पसीने छूट गए हैं। वही बता दें कि कांग्रेसियों ने पूरा प्रयास किया है कि वो राजभवन तक पहुंच सके, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी ने उनको आगे से बढ़ने नहीं दिया और साथ ही सभी कांग्रेसियों को अरेस्ट कर लिया गया और इको गार्डन ले जाया गया। ये तस्वीर लखनऊ की, जहां पर लगातार महंगाई समेत तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है। और साथ ही इस दौरान आपको बता दें कि कांग्रेस राजभवन का कूच करना चाह रही थी, लेकिन वहां पर प्रशासन की इतनी कड़ी मौजूदगी थी कि वहां वे कूच नहीं कर पाए हैं। और साथ ही बता दें कि इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आए। लगातार महंगाई हो और साथ ही बेरोजगारी हो, साथ ही इन तमाम मुद्दों को लेकर वे बीजेपी पर तमाम आरोप लगाते आए हैं। और साथ ही ये तस्वीर लखनऊ की, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और लखनऊ ही नहीं, देश भर में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम मुद्दे हैं उनके सामने, चाहे वो आपको बता दें कि इस दौरान महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी मामले को लेकर अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है, सुनिए। गई है इसी बात को लेकर कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन था। महंगाई, बेरोजगारी, सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी का धन पशुओं को उपकृत करना, उनके तमाम गलत कार्यों को उपेक्षित करना, स्वीकार करना, जबकि भारतीय जनमानस की भावना है, कांग्रेस की भावना है, भारतीय जनमानस की भावना के अनुरूप कि भाई आप अगर लोकतंत्र की रक्षा करनी हो तो आप जन सहयोग की भावना से आप आगे बढ़ें, न कि जन विरोधी भावना। देखिए, कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ जलसों और जुलूस की ही पार्टी बन के रह गई है। कांग्रेस पार्टी के नेता देश में भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं और विदेश की धरती पर जाकर भारत माता का अपमान करते हैं, भारत के लोकतंत्र को कोसते हैं, भारत का अपमान करते हैं। कांग्रेस के इस चरित्र को पूरा देश और उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, इसीलिए बार बार कांग्रेस को नकार रही है। और कांग्रेस अब एक पुरातात्विक सामग्री बन के रह गई है जो आने वाले समय में सिर्फ शोध के काम आएगी। राजधानी लखनऊ में आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और बड़े नेता जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी और जो एजेंसियां हैं, विदेशी कंपनी की जो एजेंसियां हैं, उसको लेके जहां जहां छापेमारी हो रही है, उसको लेके आज राजधानी लखनऊ में कांग्रेस के बड़े नेता और बड़े कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय के पास मौजूद है। यहाँ पे काफी कार्यकर्ता थे जिनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया, हिरासत में लेके इको गार्डन जहाँ भेजा गया। और काफी ऐसे हैं जो कार्यकर्ता है जो राजभवन का घेराव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोकझोंक हुई और पुलिस ने उनको साफ तौर पर रोका। आप देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि जो कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता हैं और जो बड़े नेता हैं उनको किस तरीके से पुलिस कार्रवाई करती है। राजधानी लखनऊ से इंडिया न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए नदीम खान। और ये तस्वीर लखनऊ की, जहां पर लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम मुद्दे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, और इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस आज लखनऊ के सड़कों पर है और साथ ही राजभवन का कूच करना वो चाह रही थी, राजभवन की ओर वो बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इस दौरान प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया है। प्रशासन ने कड़ी मशक्कत कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने नहीं दिया है। इको गार्डन ले जाया गया कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बसों में भरकर। और ये तस्वीर लखनऊ की, लगातार कांग्रेस जो है तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। और इस दौरान आपको बता दें कि एक बैनर भी सामने आया था जहां पर मोदी अडानी पक्के यार, देश बचाने को तैयार, ये बैनर काफी फेमस हुआ था इस प्रदर्शन में। और बता दें कि
जो प्रशासन है वे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बसों में भरकर इको गार्डन ले आई थी, जहां पर तमाम कार्यकर्ताओं की तबीयत भी खराब होने की तस्वीर सामने आई थी। और इस प्रदर्शन में काफी गहमा गहमी देखने को मिली, जब कांग्रेस के कार्यकर्ता और प्रशासन सड़कों पर थे, एक तरफ प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता आगे बढ़ने की ओर, राजभवन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस प्रशासन है उन्हें रोकने के लिए तमाम मशक्कत करती भी नजर आ रही थी। चले आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर के विकास को नई दिशा और दशा देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 10,000 करोड़ के अधिक रुपए के निवेश और 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, लोकार्पण भी किया है। साथ ही बता दें कि रामगढ़ताल स्थित दिग्विजय नाथ पार्क में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। कार्यक्रम में संबंधित जिलों से आए विधायक सांसद सहित हजारों के कार्यकर्ता और आम जनमानस उपस्थित रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के क्रांति दल ने गांधी पार्क के बाहर प्रदर्शन कर सरकार से गैरसन को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग की है। बता दें कि यूकेजी नेताओं ने आरोप लगाया है कि देश में कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसके पास से राजधानी ना हो, केवल उत्तराखंड ही ऐसा एक राज्य है और हमारे पास कहने को दो राजधानी है साथ ही, लेकिन कोई स्थायी राजधानी नहीं है। ऐसे में हमारी सरकार से मांग है कि केवल सत्र चलाने के लिए नहीं बल्कि गैरसैन को एक स्थायी राजधानी घोषित की जाए। ये हमारा ये कहना है कि कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसकी राजधानी ना हो, उत्तराखंड के अलावा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो हमको यह राज्य दिया तो 29 संशोधन करके हमारी सारी परिसंपत्तियां आज भी उत्तर प्रदेश के कब्जे में है, बिना राजधानी के राज्य दे दिया। और राज्य में जो राजधानी निर्माण के लिए जो बजट दिया था वो बजट भी इन्होंने यहाँ ठिकाने लगा दिया है। 23 साल तक हम कभी गैरसैंण कभी देहरादून होल्डिंग टेबल की तरह ये राजधानी को चला रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि एक सत्र का ड्रामा बंद करें, हमको केवल सत्र के नाम पे बेवकूफ बनाएं, और ये इनका चुनावी मुद्दा है। वहीं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष विमल विरमानी के नेतृत्व में अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन अधीक्षण अभियंता और नगरीय वित्तीय साथी बता दें कि सहारनपुर को सौंपा है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है और बताया गया है कि विद्युत विभाग के कुछ लाइनमैन और साथी कर्मचारियों के द्वारा छोटे व्यापारियों का चेकिंग के नाम पर और चेकिंग के समय सेटिंग के नाम पर भारी उत्पीड़न और साथ ही आर्थिक शोषण करते नजर आते हैं। आपका सुनाम और आज किसे ज्ञापन दिया? विमल विरमानी, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। सहारनपुर में जिस तरीके से विद्युत विभाग की मनमानी हो रही है, भ्रष्टाचार में पूर्णतः लिप्त है, उन विद्युत चेकिंग के नाम पर 1 किलोवाट 2 किलोवाट के व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। उसके उदाहरण स्वरूप हमने 2 लोगों के मामले यहाँ पे रखे हैं और उनके नाम भी हम इन्हें अवगत करा देंगे। एसी साहब ने हमारे से नाम मांगे हैं और उन्हें आश्वस्त किया है कि आपको न्याय मिलेगा। 1 किलोवाट का कनेक्शन इसका बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने एक नाई की दुकान का है और एक कृष्ण गौरव महेश्वरी है उनका है। एक मालिक उसे खाली करवाने के लिए दुकान पे जिस पर उन्हें स्टे प्राप्त है, उसने विद्युत विभाग के उनके साथ साझ करके, जो कि मुगल रेस्टोरेंट है, वो लोग उन्हें खिलाता पिलाता है और उनको एक फर्जी मीटर शंट बना के किया गया है। आगरा में स्वास्थ्य विभाग की लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने आगरा के बता दें कि अहमदपुर के 4, किरावली और साथ ही अछरेरा में झोला छाप के क्लिनिक पर छापा मारा है और इस दौरान अहमदपुर दुकान को सील किया गया है, वहीं अछरेरा के 3 दुकानों को सील किया गया। किरावली में एक क्लिनिक को भी नोटिस दिया गया है, वहीं 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बिना लाइसेंस के क्लिनिक चलाने पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस क्लिनिक में NH3 और साथ ही बता दें कि H3 और साथ ही N2 इन्फ्लुएंजा के संदिग्ध मरीजों को इलाज भी नहीं किया जा रहा है। वहीं बता दें कि CMO डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव ने नेतृत्व में गठित स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अहमदपुर में छापा मारा है और साथ ही में ये प्रयास यही रहेगा कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिक्कत ना आए जो अपना
नियमों के अनुकूल व्यवसाय कर रहा है, परंतु जो धोखे से या किन्हीं और की चिकित्सा डिग्री से कार्य कर रहे हैं उनको हम लोग रोकेंगे और उनका रिन्यूअल हम लोग बहुत सख्ती अपनाएंगे और ऐसे रिन्यूअल नहीं होंगे। छह लोगों पे FIR हुई है जिसमें दो लोग भी ही गिरफ्तार हो। नदियों और जल निकायों के कायाकल्प के लिए बता दें कि अंतुलिया गंगा परियोजना के 25 सदस्यीय साइकिल रैली आगरा पहुंची है और इस दौरान वॉलंटियर द्वारा यमुनोत्री से आगरा तक यमुना के स्टैंड्स को बनाए रखने के लिए ये रैली निकाली गई है। रैली सिकंदरा होते हुए भगवान टॉकीज से रवाना हो चुकी है। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमें जो कुछ भी मिला अपनी विरासत में हम उससे खुश नहीं हैं। नदियां हमें बहुत बुरी हालत में मिली, हमने मिलके ये सोचा, खास तौर पे आर्मी वेटरन्स ने, कि हमें जो मिला है वो हम अब आने वाली जनरेशंस को देके नहीं जाएंगे और उसके लिए हमें जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जितना कुछ करना पड़ेगा वो सब कुछ करेंगे, मगर हम जिन नदियों के बारे में, जिन वाटर बॉडी के बारे में सोच रहे हैं उनको हम ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं सोच सकते। बहुत जरूरी है कि हम उनके किनारे कदम कदम जाएं। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव राजीव नगर में रहने वाले 35 साल का नरुत्तम, और साथ ही बता दें कि उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन भी महिला के घर पहुंच गए और मृतका के पति पर जहर खिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस के तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि विवाहिता की कल तबीयत खराब हुई थी और उसको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुछ नहीं किया, आपस में सब लोग सही थे। हमें नंबर तक नहीं ध्यान रहा है। चुप जाओ, चुप जाओ। ये आपस में सब लोग सही थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। जो जाते थे घर पे अभी 4 दिन पहले गए, हमारी माँ अकेली रहती है घर पर, ठीक, बहन की शादी कर ली, माँ अकेली रहती है घर पर। हमारे गए वहाँ काम करा, यहाँ काम यानी कि यहाँ भी काम है, मगर ये वहाँ गए। पहले मैंने इनके पास फोन किया, इनके भाई के पास, तो वो बोले कह रहे मर जाने दो, बाद में आकर दफना देंगे, और यही बहन ने भी कहा। वहाँ थे जो काम कर रहे थे डगरे पर, वहाँ से आए हम, बस हमें फिर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, फिलहाल हमने देखा ही नहीं साहब, ठीक है, पता ही नहीं, मतलब भरी ही नहीं थे तो मतलब हमें पता क्या होता। नहीं तो मृत्यु का कारण आपको भी नहीं पता है, मतलब दौड़ा उड़ा पड़ा है। श्रावस्ती के भिनवा कोतवाली क्षेत्र के गौडपुरम पूर्वा गांव में बता दें कि पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी है, जिसके चलते बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें आपको कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की हालत को देखते हुए डॉक्टर ने घायल को जिला अस्पताल बहराइच रेफर किया है। वही उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के चमक नाली से बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में युवक और युवती का शव बरामद किया गया है, जिसके पास से युवक और युवती का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गई है और साथ ही बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर दोनों के शव बरामद किए गए हैं। वहीं दोनों के सिर पर गहरी चोट के निशान है। घटनास्थल से कुछ दूर पर बाइक भी खड़ी हुई मिली है और साथ ही वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। आज गंगा घाट में आउटर पे एक प्रेमी युगल का शव ट्रैक पे किनारे मिला है, जिससे ये प्रथम दृष्टया जांच में पता चल रहा है कि ये रिश्तेदार थे आपस में, ममेरे भाई बहन थे, और इनके द्वारा ट्रेन के सामने कूद करके जान दे दी गई है। अभी तक की जांच में आत्महत्या का मामला प्रकट होता है। इनके घर वालों को खबर कर दिया गया है, इनकी तस्दीक कर ली गई है, और जो भी इसमें तहरीर मिलेगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
घर में विवाह की खुशियां उस समय सन्नाटे में पसर गई जब सात फेरे लेकर दुल्हा दुल्हन ने जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में तो ली, तभी विदाई के दौरान अचानक दूल्हा गिर गया। वही दुल्हन सारी कस्में वादे भूलकर दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया। दोनों पक्षों के लोग बता दें कि इस दौरान इस मामले को लेकर थाने में पहुंचे। दरअसल झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के अली गोल खिड़की निवासी दीपक शाकिया ने बताया है कि बहन आरती की शादी प्रेमनगर के राजकुमार से पक्की हुई थी। जैसे ही विदाई का कार्यक्रम शुरू हुआ तो दूल्हे को कार में बिठाया गया। वहीं बता दें कि दुल्हन को कार में बिठाया गया, तभी दूल्हे को चक्कर आ गई और दूल्हा बेहोश हो गया। उसे घर वालों ने इस दौरान उसे अस्पताल लेके गए हैं। और साथ ही बता दें कि इस मामले को लेकर दुल्हन ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद से दुल्हन के परिवार और दूल्हे के परिवार दोनों मिलकर थाना पहुंचे और इस दौरान पुलिस आश्वासन देते नजर आई है। और साथ ही पुलिस ने कहा है कि इस मामले को हम जल्द ही सुलह करवाएंगे, जिसके बाद से दोनों परिवारों को घर भेज दिया गया। अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर हरिद्वार के सुमन नगर में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर 3 दिवसीय अंडर बता दें कि सेक्शनीज के बीच खेले गए मैच में रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। स्वतः साथ ही बता दें कि इस प्रतियोगिता का आज ही समापन हुआ है। आपको बता दें देहरादून की टीम ने 1-3 मैच से गेम स्कोर से सुमन नगर टीम से विजय हासिल की है। वहीं अंडर 16 के बीच खेली गई वॉलीबॉल प्रतियोगिता में कुल 16 टीमों ने प्रतिभाग किया था। प्रतिभाग करने वाले टीमों में क्वार्टर फाइनल खेला गया, वहीं 4 टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई, जिसके बाद से सीरीज की विजेता टीम ने देहरादून और सुमन नगरी बी के बीच फाइनल मैच खेला गया, जिसमें देहरादून की टीम विजय रही है। अंडर 16 के द्वारा मैच खेला गया, जिसमें 16 टीमों ने भाग लिया और फाइनल मैच आज देहरादून और सुमन नगर के बीच हुआ और देहरादून ने फाइनल जीतकर ट्रॉफी पर अपना कब्जा किया। समिति की ओर से विजेता टीम को 21,000 रुपये और ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया जाएगा। सुमन नगर में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया था हमारी समिति के द्वारा, कमेटी के द्वारा, इसमें 16-17 टीमों ने भाग लिया था, प्रतिभागी निभाई और बड़े अच्छे ढंग से सभी टीम के खिलाड़ियों ने यहाँ पे हमें भी सहयोग करा और आपसी भाईचारा भी बनाए के रखा, जिससे हम ये टूर्नामेंट को अच्छे ढंग से इसका समापन करा है। और अभी जो पहला जो मैच जो अभी जो हुआ लास्ट मैच फाइनल मैच, इसमें सुमन नगर बी और स्पोर्ट्स क्लब देहरादून के बीच में जो फाइनल मैच खेला गया था, देहरादून इसमें विजय रही है। अक्सर गर्मी के मौसम में आगजनी की घटना बढ़ जाती है, ऐसे में जरूरी है कि इसको रोकने के लिए सावधानी बरती जाए। यही वजह है कि आगजनी की घटना को लेकर फायर ब्रिगेड अलर्ट हो गया है। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कासगंज जिले भर में बता दें कि हॉस्पिटल और साथ ही बिल्डिंगों में फायर के संसाधनों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है, ताकि समय रहते आगजनी की कोई बड़ी घटना पर लगाम लगाई जा सके। दरअसल गर्मी का मौसम शुरू होते ही अग्निशमन विभाग अलर्ट हो जाता है। वहीं आज अग्निशमन विभाग ने अधिकारी नितेश शर्मा ने बताया है कि कासगंज में निजी अस्पताल और बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में अग्निशमन यंत्रों की जांच पड़ताल की गई। आपके द्वारा दमकल कर्मियों द्वारा जो चेकिंग बंद चला जा रहा है, कहाँ चेकिंग हुई, ये हम सुबह से लगभग हमारा चेकिंग अभियान चल रहा है 9 बजे से और शाम के 5 बजे तक, और इस चेकिंग अभियान में जो हेडक्वार्टर की तरफ से भी रिसेंटली जारी हुआ। एटा जनपद के थाना कोतवाली ग्राम नगला को गोकुल में एक व्यक्ति की शव संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया है। बता दें कि प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंची है और जानकारी दी गई है। और साथ ही बता दें कि मृतक केशव सिंह बेटे भुल्लन सिंह निवासी नगला गोकुल थाना कोतवाली नगर एटा, जिसकी उम्र 55 वर्ष बताई जा रही है। वही बता दें कि मृतक रात में अपने खेत पर बनी झोपड़ी में रहता था। मृतक केशव सिंह प्रतिदिन की भाती अपने खेत पर ही गया था, वहीं झोपड़ी पर रुका था और सुबह उसके छोटे बेटे पुष्पेंद्र मृतक के लिए चाय लेकर जब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर मृतक की मौत हो गई है।
और साथ ही पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। हरदोई के बेहटा गोकुल क्षेत्र में पत्नी को विदा करने ससुराल आए पति ने ससुर की सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी। वही सिर्फ इतनी ही बात हुई थी कि ससुर ने बेटी को भेजने से मना कर दिया था। इस बात से खफा होकर दामाद ने ससुर पर ही पत्थर मार दिया। क्या घटना हुई है, क्या मामला था, कैसे खत्म हो गए? सर ये अपने घर से आया शाम को। कहाँ से? बेटी थाना इसका सेहरा मोह लगता है और इसने शाम को झगड़ा किया, बहन को हमारी मारा, बहुत ज़्यादा मारा, घर में भी मारपीट की और सुबह जे 5 बजे इसने आधार कार्ड मांगा, तो मतलब आधार कार्ड देने ही वाले थे, इसी वजह से इसने पत्थर उठाया और सर में मार दिया, उनकी ठोर मृत्यु हो गई। थाना क्षेत्र में एक घटना हुई है, क्या घटना है, क्या जानकारी, क्या मामला है सर? संज्ञान में आया है कि एक शाहजहानपुर में रहने वाला व्यक्ति अपनी ससुराल आया था पत्नी को विदा कराने, उसके ससुर से कुछ वाद विवाद हुआ जिसमें दोनों द्वारा आपस में कुछ पत्थर से वार किया गया। हरदोई जिले के पुलिस ने एक हत्या के मामले में फरार चल रहे बीजेपी नेता को दौड़ा दौड़ा कर गिरफ्तार कर लिया है। वही बीजेपी नेता को पुलिस ने एक बीजेपी विधायक के घर के बाहर भागते समय गिरफ्तार किया है और बाद में उसे जेल भेज दिया है। साथ ही बता दें कि पकड़ा गया आरोपी 2012 में हरदोई सदर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। पकड़े गए बीजेपी नेता पर हत्या के अलावा और भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। झांसी के टोंडी फतेहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिछले दिनों हुई डकैती का खुलासा करते हुए झांसी के अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि डकैती में इस मामले में पूर्व में ही 2 अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उसी क्रम में आज 2 अपराधियों को और भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 200 ग्राम सोने के जेवरात, 3 किलो चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। दोनों अपराधी का नाम अमन अहिरवार और साथ ही अमन रॉइन है। साथ ही इसके पास से अवैध वाहन भी बरामद किए गए हैं। दिनांक 8/9 की रात्रि में थाना क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर के डुरवई गांव में श्रवण वाजपेयी के यहाँ डकैती पड़ी थी, जिसमें 2 अपराधियों को पुलिस टीम ने पहले ही पकड़ के जेल भेज दिया है। आज उसमें और 2 अपराधी पकड़े गए हैं, जिनका नाम अमन अहिरवार और अमन राइन है। इनसे भी करीब 200 ग्राम सोने के जेवरात और करीब 3 किलो चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। ये बिना नंबर की मोटरसाइकिल और अवैध असलहे भी इनसे बरामद किए गए हैं। उचित धाराओं में पूर्व में ही अभियोग इनके विरुद्ध पंजीकृत है और बाकी जो बरामदगी इसके आधार पर भी अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जा रहा है। सहारनपुर में आज खिलाड़ियों और साथ ही जिम संचालकों ने प्रतिनिधि मंडल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गौरव कपिल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल और साथ ही फिटनेस एसोसिएशन पर भ्रष्टाचार समेत कई अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है। खंड विकास अधिकारी सकरन पर लगाए गए आरोपों को ग्राम प्रधानों ने बताया है निराधार बताया है। दरअसल पूरा मामला बता दें कि सीतापुर के विकास खंड सकरन सामने आया है, जहां पर कुछ प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी और साथ ही जेई पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही पैसे लेने के भी आरोप लगाए गए हैं। हमारे यहाँ जो विकास खंड अधिकारी हैं वो लगभग 15 दिन आए हुए हैं और ईमानदार खंड विकास अधिकारी भी हैं, अच्छे अच्छे भी वाले हैं, काम करने वाले हैं, लेकिन कुछ आदमी गलत काम करवाने के आरोप में पेमेंट करवाने का आरोप लगा रहे हैं। हम लोग ब्लॉक सकरन के रहने वाले हैं और ये सारे लोग जितने साथ में आए हैं ये सब चुने हुए प्रधान हैं। इनकी समस्या एक तो ये है कि इनके यहाँ पूर्व में कैटर सेट और गोट सेट स्वीकृत किए गए थे जी, जिसपे BDO साहब ने रोक दिया है जी, और उस पर जो है ना तो MR जारी कर रहे हैं ना उनको कार्य में ला रहे हैं जी। कुछ भुगतान भी बाकी है मनरेगा का, जिसका भुगतान भी नहीं कर रहे हैं जी।
भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही, बता दें कि योगी सरकार में बीजेपी विधायक ने नगर निगम के अधिशासी अभियंता और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी आर के सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने रिश्वत लेकर टेंडर देने से लेकर विकास कार्यों में कमीशन खोरी का आरोप लगाया गया है। साथ ही अधिशासी अभियंता पर बेनामी संपत्ति की जाँच विजिलेंस करने का आग्रह किया गया है। साथ ही अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर अधिशासी अभियंता बोलने से बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि सभी आरोप जो है वो निराधार है, विधायक ने अपने ऊपर ये जो आरोप लगे हैं उसे गलत बताया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।